भूटान नेपाल नहीं है, वो हमारा पुराना सहयोगी है, वो इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन निशांत एक मोटी बात अगर आपको बताऊं कि खुद भूटान के अंदर इंडियन आर्मी वहां पर डिप्लॉय होती है, उनको खासतौर पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, वहां इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट है प्रॉपर। लेकिन बीच में कई चीजें ऐसी सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर यह भी बताया गया था निशांत कि कई पॉलिटिकल लीडरशिप भूटान की उन इलाकों में पीएलए के कैंप्स में भी गई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी जाहिर होता है कि कैसे कई भूटान के लोग जो थे वो पीएलए कैंप्स में देखे गए थे जब डोकलम हुआ था। तो ये निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि चीन ने कोई अंदरूनी रूप से कोई बड़ी ऐसी स्ट्रैटेजी चली है जिसके मतलब से वो इन चीजों को कन्वर्ट करना आप जो बता रहे हैं बेहद चिंता का विषय है। आप जो बता रहे हैं चिंता का विषय है। मैं युक्तेश्वर के पास चलूंगा सिर्फ ये ग्राफिक्स के साथ। अब युक्तेश्वर, हमने अरुणाचल दिखाया, हमने अभी भूटान दिखाया और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन किस तरीके से ये विस्तारवादी सोच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें जिसके लिए खास तौर पर आज मैंने आपको आमंत्रित किया, लेकिन इस पर मैं आपका इनपुट लूंगा। बहुत तेजी से मुझे समझाएं, क्या चीन की ये सोच अब उसको चोट देती जा रही है कि नहीं? बिल्कुल, अंग्रेजी में जहां मैं रहता हूं एक कहावत है कि लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स, और चीन का जो राष्ट्रीय जानवर है वो भी तेंदुओं की तरह है, उनपे भी स्पॉट होता है जिसको पांडा बोलते हैं। तो अपनी काली करतूते अपनी काली धब्बों को कभी भी नहीं बदलते हैं। अभी आपने बताया भूटान में वो संतिंग जो कि नेचुरल जोन है, वाइल्ड सेंचुरी है, उसको भी अब अपना बता रहा है। हालांकि अभी उसने ये कहा है कि उसका 219 किलोमीटर पे इंट्रूड किया है, अभी पूरी तरह से उसके पास में नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि भूटान नेपाल की तरह नहीं, नेपाल का चीन के साथ राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक टाइज है, भूटान का नहीं है। और भूटान के साथ में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए चीन काफी पैसा, काफी ताकत, काफी तरह से वो कर रहा है, लेकिन भूटान भूटान है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।